युवती से प्रेम संबंध बनाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करने के बाद दूसरी युवती से शादी की तैयारी करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ गिट्टी खदान पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि कांस्टेबल लंबे समय से युवती का शोषण कर रहा था। सोमवार को जांच कर रही टीम ने अमरावती के विजय गुरनुले के एक रिश्तेदार के घर में छापा मार कर गड्ढे में छुपा कर रखे हुए करीब 55 लाख रुपए बरामद किए हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। केंद्र सरकार ने संविधान दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला किया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की प्रस्तावना का पठन करेंगे। इवेंट के नाम पर बहला फुसला कर जिस युवती को भोपाल में जबरदस्ती शादी करवाई गई थी, उस युवती को इंदौर से पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित 23 वर्षीय इमामबाड़ा निवासी थी, जिसकी शादी 2016 में हुई थी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई को पार्टी ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार या उसके नेता किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा का नाम लिए बिना संवाददाताओं से कहा कि उसे अगले 25 साल तक महाराष्ट्र में सत्ता आने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। रामटेक तहसील का देवला पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस परिसर में धान की फसल मुख्य रूप से ले जाती है, लेकिन अब परिसर के किसान कपास उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पनन महासंघ के खरीदी केंद्र पारशिवनी में मंसर से जिनिंग रहने से केवल दो जगह की ही कपास की खरीदी की जाती है। राज्य सीईटी सेल द्वारा ली गई इंजीनियरिंग, फार्मेसी व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली गई एमएचसीआईटी परीक्षा के नतीजे 28 नवंबर तक जारी होंगे। बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में भाजपा के आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री तथा नागपुर जिले के पालक डॉक्टर नितिन राउत ने आरोप लगाया कि महावितरण भाजपा चंद्रशेखर बावनकुले के कार्यकाल के दौरान ही मृत्युशैया पर पहुंच गई थी। डॉक्टर राउत ने अपने बयान में कहा, बावनकुले ने बिजली के बिलों की प्रतीकात्मक चिता को जलाया, क्योंकि वे ही महावितरण की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आरोप प्लांट का संचालन होने का खुलासा हो रहा हो, लेकिन इनमें से मनपा की ओर से केवल 21 को ही मंजूरी प्रदान की गई है, जबकि अन्य प्लांट मंजूरी के बिना ही संचालित हो रहे हैं। खेती संबंधित व्यवसाय सत्र 2020-21 अंतर्गत कृषि विद्यार्थी खेती संबंधित व्यवसाय का मार्गदर्शन ले रहे हैं। इसी पार्श्व भूमि पर रेणुका मिल्क सेंटर काटोल में विद्यार्थियों ने दूध व दुग्धजन्य पदार्थ इसका प्रशिक्षण लिया।